तो दोस्तों ये है पार्ट थ्री। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बनाने वाले हैं इस ये जो रावण का मुंह है उसकी मूछें, आंख, कान, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा कार्डबोर्ड, ये देखिए ऐसा कार्डबोर्ड चाहिए, और एक मार्कर भी चाहिए, और आपको ड्रॉ देखिए ऐसे ड्रॉ करनी है, आपको इसको काट लेना है। काट लेने के बाद आपको मुझे कुछ इस तरीके से दिखेंगी, ये देखिए आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर आपको इसको रावण को और रियलिस्टिक बनाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर ले और न्यूज़पेपर की मदद से इसको करना होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास ये ले, ये देखिए ले है ये, और ये हमारी ये मूछें। अब आपको क्या करना है, इस ले को इसके अंदर डिप करना है थोड़ा, ये देखिए ऐसे डिप कर ये देखिए ऐसे कर आपको ऐसे लगाना है, ये देखिए। चलिए मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने डिप कर लिया है, अब आपको ऐसे ऐसे करना है, ये देखिए और आपको ऐसे चला देना है, ये देखिए। तो दोस्तों मूछों की ले और ये कागज़ का करने के बाद आपको मूछें कुछ इस तरीके से दिखेंगी, ये देखिए। तो अब हमें बनाने हैं इसके कान, तो आपको चाहिए ऐसा ही कार्डबोर्ड और ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लेना है, और यहाँ एक लाइन आ जाएगी और इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए। अब इसको आपको यहाँ से फोल्ड कर लेना है, ये देखिए। अब आपको बनाते समय एक ध्यान रखना है कि यहाँ से आधा इंच और आधा इंच यहाँ से छोड़ देना है, और आपको इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने रावण के कान ड्रॉ कर लिए हैं, अब इसको हम काट लेते हैं कैंची की मदद से। तो दोस्तों कान कट करने के बाद आप कुछ ऐसे दिखेंगे, अब आपको यहाँ से ये फोल्ड कर लेना है, ये देखिए ऐसे और ऐसे। अब कानों को चिपकाने के लिए सबसे पहले आपको इसका मिड पॉइंट देखना है, ये देखिए। अब मैं इसका मिड पॉइंट ये रखता हूँ, ये देखिए इसका मिड पॉइंट है और इक्वल डिस्टेंस से ये देखिए यहाँ पे मैं कान बनाऊंगा इसके, और इक्वल डिस्टेंस पे ये दूसरा कान आएगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, इस कान को यहाँ पे सिलना है, ये देखिए। ये देखिए कान को ऐसे सिलना है, तो मैं आपको सिलने के बाद मिलता हूँ, देखिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये रावण के कान बना लिए हैं, ये देखिए रावण के कान यहाँ पे सिल लिए मैंने। चलिए अब आपको चाहिए एक ऐसा धागा, ये देखिए। अब हमें आँख बनानी है, तो हम यहाँ से देखिए ये धागा लेके जा रहे हैं और दूसरी साइड तक इसको लेके जा रहे हैं, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है, ये देखिए ये ऐसी लाइन खींच लेनी है, ये देखिए। अब आपको यहीं पे यहाँ पे आईब्रोज और यहाँ पे आँखें, ये देखिए यहाँ पे आँखें और इस लाइन से ऊपर आईब्रोज, ये देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे अभी, ये देखिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमने रावण की आंखें बना ली हैं, ये देखिए। अब आपको आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको इसको और रियलिस्टिक बनाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसे न्यूज़पेपर और ले के अंदर डिप करने हैं, ये देखिए ले के अंदर मैंने डिप कर दिया है, ये देखिए ले है यहाँ पे,
जे के अंदर मैंने डिप कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ऐसे इसको पूरा डिप कर लेना है और इसकी लंबी स्ट्रिप सी बनानी है। ये देखिए, थोड़ी सी और ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है। ये देखिए, और दूसरी साइड भी है। ये देखिए, ऐसे आपको लगा लेनी है और भी आँखों में भी ये ऐसे गोल कर कर लगा लेनी है। इसको मैं पूरा कर कर आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने रावण की आँखें लगा दी हैं। यहाँ पे हमने एक पेपर लगा दिया है। ये देखिए, मैं ये अब इस रावण की आँखें बहुत अच्छी तरीके से दिख रही हैं। अब हमें इसकी रावण की नाक बनानी है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल काटा है। ये देखिए, ऐसा ट्रायंगल और इसकी नाक पे लगाना है। ये देखिए, ऐसे जो ये लाइन खींची थी हमने वहाँ से ऐसे दी। ये देखिए, और यहाँ पे ले लगानी है, ठीक है। तो फिर इसको पूरा करके मैं इसकी सारे शॉट्स दिखा दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और घंटे वाले बटन को दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।